नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सारी तस्वीरें अब साफ होती जा रही हैं। दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से दावेदारों के नाम का ऐलान हो चुका है। 8 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार ज्यों ज्यों जोर पकड़ने लगा है, त्यों त्यों हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज होने लगा है। इस बीच एक टेबलाइड में छपी ट्रंप की मॉडल पत्नी की न्यूड तस्वीर को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो वहीं मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आज हम अमेरिकी चुनाव में जुड़े इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं विशेष कड़वा प्रचार। अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। तीखे हमले किए जा रहे हैं और आगे निकलने की होड़ में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आठ नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सत्ताधारी डेमोक्रेटिक और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों पार्टियों की तरफ के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। I think the Republican nominee is unfit to serve as president. I said so last week, and he keeps on proving it. The notion that he would attack a gold star family that had made such extraordinary sacrifices on behalf of our country. तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन के लिए बेहद तीखे बोल बोले। उन्होंने हिलेरी के बारे में बेहद निजी टिप्पणियां की, जिसको लेकर अमेरिका में इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। She's a disaster. She'll set you back a long way, women, if that happens. It'll be a long way before it happens again. You better be careful what you wish for. डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने हिलेरी क्लिंटन पर और भी कई आरोप लगाए। हिलेरी क्लिंटन ने भी ट्रंप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की विविधता को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति पद के लिए काबिल नहीं हैं। So just ask yourself, do you really think Donald Trump has the temperament to be commander in chief? Donald Trump can't even handle the rough and tumble of a presidential campaign. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि को बेहद सख्त और राष्ट्रवादी के तौर पर पेश किया है, तो वहीं हिलेरी क्लिंटन ट्रंप की इसी छवि पर लगातार हमले बोल रही हैं। इस बीच विरोधियों ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मलेनिया की नग्न तस्वीर न्यूयॉर्क पोस्ट में प्रकाशित करा दी है। इससे नाराज ट्रंप ने टेड क्रूज पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि टेड सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की सभी गोपनीय बातें सार्वजनिक कर दूंगा। हालांकि टेड ने सफाई में कहा कि उन्होंने ये तस्वीर प्रकाशित नहीं कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिलरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होगा। 8 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। यूं तो चुनाव में कई पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन हमेशा की तरह सीधी टक्कर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच ही है। हिलेरी क्लिंटन अमेरिकी इतिहास में किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार बन गई हैं। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में उनकी उम्मीदवारी का जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी के भीतर सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स ने भी हिलेरी को सबसे योग्य उम्मीदवार करार दिया। हिलेरी क्लिंटन ने बर्नी सैंडर्स को ही पीछे छोड़कर ये उम्मीदवारी हासिल की। हिलेरी क्लिंटन ने अपनी उम्मीदवारी को ऐतिहासिक घटना करार दिया। Tonight we've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union.
the first time that a major party has nominated a woman for president. Standing here as my mother's daughter and my daughter's mother, I'm so happy this day has come. I'm happy for grandmothers and little girls and everyone in between. I'm happy for boys and men, because when any barrier falls in America, it clears the way for everyone. क्लिंटन के नाम का प्रस्ताव करने वालों में अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सदस्य बारबरा मिकुल्स की भी शामिल थी। उन्होंने हिलेरी को अमेरिकी महिलाओं के संघर्ष का प्रतीक करार दिया। She's a leader. So on behalf of all the women who have broken down barriers for others, and with an eye toward the barriers ahead, I proudly praise Hillary Clinton's name and nomination to be the next president. जोरदार स्वागत और तीखे भाषणों के बीच कई राजनेताओं ने हिलेरी क्लिंटन की प्रतिभा और योगदान को अमेरिका के लिए मुफीद करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुलकर हिलेरी क्लिंटन की प्रशंसा की। उन्होंने यहां तक कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए वो अमेरिकी इतिहास की सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने हिलेरी को बिल क्लिंटन और खुद से भी बेहतर करार दिया। There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as President of the United States of America. पार्टी के भीतर उनके प्रतिद्वंदी रहे बर्नी सैंडर्स ने एकजुटता दिखाते हुए हिलेरी क्लिंटन को जिताने की अपील की। उन्होंने हिलेरी के काम काजों को याद करते हुए भरोसा दिलाया कि उनके हाथ में अमेरिका सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। I have known Hillary Clinton for 25 years. I remember her as you do. As a great first lady who broke precedent in terms of the role that a first lady was supposed to play as she helped lead the fight for universal health care. I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women, and for the disabled. Hillary Clinton will make an outstanding president, and I am proud to stand with her tonight. Michelle Obama ne bhi Hillary Clinton ki prashansa ki. Truly qualified to be president of the United States, and that is our friend Hillary Clinton. America ke kai namcheen filmi sitare bhi Hillary ke paksh mein prachar kar rahe hain. कई लोगों ने उनके लिए अपना खुला समर्थन जताया है। ये पहला मौका है जब अमेरिका में किसी बड़ी पार्टी की तरफ से कोई महिला राष्ट्रपति पद की दौड़ में है। 2008 में भी हिलेरी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें पार्टी के भीतर बराक ओबामा से हार का सामना करना पड़ा। अगर इस बार वो जीत हासिल करती हैं, तो अमेरिका की वो पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 69 साल के हिलेरी क्लिंटन का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। उन्होंने कई जिम्मेदार पदों का भार कंधे पर उठाया और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते ही उन्होंने अमेरिका में एक नया इतिहास रचा। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में वो इस दौड़ में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन दुनिया के लिए कोई नया नाम नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वो विदेश मंत्री रह चुकी हैं। वहां की राजनीति में सीनेटर के तौर पर लंबा योगदान दिया है और अमेरिका की प्रथम महिला होने का भी गौरव उन्हें हासिल है। लेकिन इस बार मुल्क ने उनके कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर वो 8 नवंबर के चुनाव में जीत हासिल करती हैं, तो अमेरिका के लिए बड़ी घटना होगी। वो अमेरिका की कमान संभालने वाली पहली महिला बन जाएंगी। I know how challenging it will be to meet the
difficulties that we face in the world today. But you see, I have confidence. I have optimism. I don't understand people who trash talk about America, who talk about us as being in decline, who act as though we are not yet the greatest country that has ever been created on the face of the earth for all of history. 69 साल की हिलेरी क्लिंटन ने 2008 में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की, लेकिन उस बार बराक ओबामा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, तो हिलेरी क्लिंटन को उन्होंने विदेश मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी। हिलेरी को जानने वाले बताते हैं कि उन्होंने कभी भी नाकामयाबी से हार नहीं मानी। Every election is about who will have the power to shape our children for the next 4 or 8 years of their lives. I am here tonight because in this election there is only one person who I trust with that responsibility. Only one person who I believe is truly qualified to be President of the United States, and that is our friend Hillary Clinton. हिलेरी क्लिंटन का जन्म 26 अक्टूबर 1947 को शिकागो में हुआ। उनके पिता कपड़े के व्यापारी थे। हिलेरी को स्कूल के दिनों से खेल से काफी लगाव था और उन्होंने कई पदक जीते। अंतरिक्ष यात्री बनने का भी वो ख्वाब देखती थी और इस बाबत नासा को उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी। स्कूल के दिनों में जब वो लड़कों को पछाड़कर क्लास प्रेसिडेंट बनी, तो उसी वक्त शिक्षकों ने हिलेरी में कुशल नेतृत्व का हुनर देख लिया। मार्टिन लूथर किंग से वो काफी प्रभावित थीं। 1968 में जब उनकी हत्या की गई, तो हिलेरी कई छात्रों के साथ हड़ताल पर बैठ गईं। 1973 में येल लॉ स्कूल से वो ग्रेजुएट हुईं और तब तक हिलेरी क्लिंटन राजनीति में खुलकर हाथ आजमाने लगी थीं। इसके 2 साल बाद यानी 1975 में बिल क्लिंटन से उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद हिलेरी की जिंदगी का बाकी सफर ऐतिहासिक है। बिल क्लिंटन आज भी उस लम्हे को अपनी जिंदगी का शानदार पल मानते हैं। I married my best friend. I was still in awe after more than 4 years of being around her. At how smart and strong and loving and caring she was. And I really hoped that her choosing me and rejecting my advice to pursue her own career was a decision she would never regret. 1993 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो प्रथम महिला के तौर पर उन्होंने महिला अधिकार के लिए कई काम किए। स्वास्थ्य बीमा और यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्होंने क्लिंटन हेल्थ प्लान की शुरुआत की। 1997 से 1999 के दरमियान बच्चों के स्वास्थ्य पर भी काफी काम किया। हालांकि इस दौरान वो कई विवादों से घिरी, खासकर व्हाइट पेपर विवाद पर खासा हंगामा हुआ, लेकिन हिलेरी पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका। 2000 में हिलेरी क्लिंटन को न्यूयॉर्क की पहली महिला सीनेटर होने का गौरव हासिल हुआ। 2006 में फिर से उन्हें भारी जीत हासिल हुई। 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का नामांकन भरा, लेकिन हार हासिल हुई। हालांकि उनके कई ऐसे फैसले हैं जिनकी अमेरिका समेत दुनिया भर में आलोचना भी हुई और तारीफ भी। उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले के पक्ष में वोट डाला और 2 साल बाद 2003 में इराक पर हमले के पक्ष में भी उन्होंने वोट डाला, लेकिन बाद में अमेरिका के तौर तरीकों को देखते हुए 2007 में उन्होंने सेना वापस बुलाने की अपील की। विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अरब स्प्रिंग का समर्थन किया और लीबिया में अमेरिकी हमले को भी जायज ठहराया। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिनकी दुनिया भर में आलोचना भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में हिलेरी क्लिंटन के सामने है डोनाल्ड ट्रंप। अपनी बेबाक शैली और टिप्पणियों के कारण ट्रंप इस वक्त दुनिया भर की सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं कौन है डोनाल्ड ट्रंप और कैसे वो राष्ट्रपति की रेस तक पहुंचे।
Do you think Hillary looks presidential in office? Do the women like me, by the way? Do the women like me, right? No, Bernie's gone. You know that, don't you? Bernie's gone. अपने बेबाक बयानों से डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से में इस वक्त जानी पहचानी शख्सियत बन गए हैं। ट्रंप अमेरिका में एक सफल व्यवसायी, लेखक और टीवी सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता फ्रेड ट्रंप शहर के बड़े रियल स्टेट डेवलपर थे। शुरुआत में उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में पिता के कहने पर अपना बिजनेस शुरू किया। ट्रंप न्यूयॉर्क शहर के बड़े हिस्से के डेवलपर रहे हैं। 2011 में फोर्ब्स की दिग्गजों की सूची में उन्हें 17वां नंबर दिया गया। 2015 के फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक ट्रंप की संपत्ति $4 बिलियन आंकी गई है। 80 के दशक में जब रियल स्टेट कारोबार मंदी में चल रहा था तो ट्रंप भी कर्ज में डूब गए, लेकिन 1997 आते आते ट्रंप ने अपना बिजनेस $2 बिलियन तक पहुंचा दिया। ट्रंप अपनी शादियों को लेकर भी चर्चा में रहे। 1991 में अपनी पहली पत्नी इवाना से तलाक के वक्त उनकी खूब आलोचना हुई। 1993 में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री मरला मेपल से शादी कर ली। 1997 में ट्रंप और मेपल्स का तलाक बेहद चर्चित रहा। ट्रंप को मेपल्स को $20 लाख देने पड़े। 2005 में ट्रंप ने सुपर मॉडल मेलानिया कानोस से शादी की, जो उनकी मौजूदा पत्नी है। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीति में आना भी बेहद नाटकीय रहा। जीवन के उतार चढ़ावों के बीच अक्टूबर 1999 में उन्होंने रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी के जरिए 2000 के चुनावों में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पेश की। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान तब मिली जब 2004 में उन्होंने NBC के रियलिटी शो में सेलिब्रिटी के तौर पर कदम रखा। उनका शो द अप्रेंटिस काफी मशहूर हुआ। माना जाता है कि इसमें ट्रंप $30 लाख प्रति शो कमाते थे। 2012 के राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में आए जब उन्होंने खुद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनके निशाने पर सीधे राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे। खास तौर पर उनके अमेरिका से बाहर पैदा होने को ट्रंप ने बड़ा मुद्दा बनाया। जून 2015 में डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आधिकारिक टिकट मिला और वो मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में कूद पड़े। 19 जुलाई 2016 को डोनाल्ड ट्रंप ने 16 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी जीत ली। ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के जरूरी 1,237 प्रतिनिधियों के समर्थन की जरूरत थी और उन्हें कुल 1,725 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला। Together we've achieved historic results with the largest vote total in the history of the Republican Party. This is a movement, but we have to go all the way. I'm so proud to be your nominee for President of the United States. ट्रंप नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन से सीधी टक्कर में हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी ट्रंप का विरोध होता रहा है, लेकिन वे पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने में सफल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहे हैं। वह अमेरिका और मेक्सिको के बीच बड़ी दीवार बनवाने की हिमायत कर चुके हैं, तो वहीं मुस्लिमों के खिलाफ बोलने पर उन्हें तीखी आलोचना झेलनी पड़ी है। अमेरिकी मुस्लिम कैप्टन हुमायूं खान ने साल 2004 में इराक में हुए एक कार बम धमाके में अपनी जान दे दी थी। तब से वो अमेरिका में हीरो की तरह याद किए जाते हैं। फिलाडेल्फिया में जब डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो हुमायूं खान के पिता खिज्र खान ने डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिमों के खिलाफ बोलने पर कड़ी आलोचना की। When she called my son the best of America, if it was up to Donald Trump,
he never would have been in America. लेकिन ट्रंप को लेकर ताजा विवाद खिजर का यह बयान नहीं बल्कि इसकी प्रतिक्रिया में आया खुद ट्रंप का बयान है। दरअसल इस बयान के बाद ट्रंप ने मारे गए सैनिक की मां पर यह कहकर तंज कसा कि वो अपने पति के बगल में चुपचाप खड़ी रहीं और शायद उनके कुछ कहने पर पाबंदी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति चुनाव की रेस में कूदने का ऐलान किया तब से विवाद उनके साथ चल रहे हैं। कई बयानों को लेकर उनकी इतनी आलोचना हुई कि उन्हें खुद सफाई तक देनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के बयान थमे नहीं। हाल ही में फ्लोरिडा में उन्होंने रूस से अपील कर डाली कि वो हिलेरी क्लिंटन के समय के विदेश मंत्रालय के हजारों की संख्या में लापता ईमेल संदेशों का पता लगाकर उन्हें सार्वजनिक करें। Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Let's see if that happens. That'll be next. Yes, sir. डोनाल्ड इससे पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, खासकर मुस्लिमों को लेकर दिए गए उनके बयानों पर खूब विवाद हुआ। वो आरोप लगा चुके हैं कि 9/11 के हमले के बाद अरब मूल के अमेरिकियों ने न्यू जर्सी में जश्न मनाया था। वो अमेरिका में मुस्लिमों के पूर्ण प्रतिबंध की भी हिमायत कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में मस्जिदों की निगरानी करने की बात भी कही। वो दावा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो आईएस का समूल नाश कर देंगे। इसके अलावा घरेलू नीतियों पर भी उनके बयान सुर्खियों में रहे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि $25,000 से कम कमाने वाले लोग टैक्स न दें। वो व्यापार कर को कम करके 15% तक लाने का दावा भी कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका और मेक्सिको के बीच विशालकाय दीवार बनाने का बयान भी दिया। उनके मुताबिक मेक्सिकन लोग अमेरिका में ड्रग तस्करी और बलात्कार करते हैं। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका से खदेड़ने वाला बयान भी दिया। यही नहीं, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहतर काम करने का दावा किया। उन्होंने चीन को कड़ी चुनौती देने की भी बात कही। हाल ही में उन्होंने श्वेत अश्वेत के मुद्दे पर एक चर्चित ट्वीट भी किया जिसमें दिखाया गया कि 97% अश्वेत लोग पुलिस या श्वेत लोगों के द्वारा नहीं बल्कि खुद अश्वेत लोगों के द्वारा मार दिए जाते हैं। उनका दावा है कि अमेरिका में बेरोजगारी की दर 20% है जबकि सरकार इसे कम यानी 5% बताती है। वो जलवायु परिवर्तन पर दिए अपने बयान को लेकर भी चर्चित रहे जिसमें उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए उद्योगों की रफ्तार धीमी करने की आलोचना की। उनका मानना है कि सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी अगर अपनी अपनी सत्ता में होते तो दुनिया बेहतर होती। सीरियाई शरणार्थियों को वापस भेजने की भी वो इच्छा जता चुके हैं। वो नाटो की भी आलोचना कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका नाटो पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। ट्रंप के उस बयान पर भी काफी विवाद हुआ जिसमें उन्होंने अवैध गर्भपात कराने वाली महिलाओं को सजा देने की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना अहम सहयोगी मानते हैं, लेकिन एक अभियान के दौरान भारतीय कॉल सेंटर वर्करों का उन्होंने मजाक उड़ाया था। उन्होंने आउटसोर्सिंग को लेकर भी विरोधी बयान दिए। हालांकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को कब्जे में लेने और उन्हें रोकने के लिए भारत की मदद लेने की वो बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भारत के आम चुनाव से बिल्कुल अलग है। वहां की चुनावी प्रक्रिया समझना थोड़ा जटिल है लेकिन है बेहद दिलचस्प। असल में वहां की जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेती, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है वहां की वोटिंग प्रक्रिया और क्या है इस बार की दावेदारी। इसी के साथ जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का दिन नियत रहता है। हर चौथे साल नवंबर में जो पहला सोमवार आता है उसके बाद वाले मंगलवार को मतदान होता है। जैसे इस बार नवंबर की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, लेकिन सोमवार 7 नवंबर को है इसलिए मतदान 8 नवंबर को होगा। चुनाव में हिस्सेदारी तो कई पार्टियों की होती है, लेकिन शुरू से ही डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों का वर्चस्व रहा है और इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर होती है। 270 इलेक्ट्रल वोट्स की जरूरत होती है जीतने के लिए, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपका पॉपुलर वोट जो है थोड़ा सा ज्यादा हो, पर आप इलेक्ट्रल वोट अगर हार गए तो आप इलेक्शन हार जाते हैं। असल में अमेरिका के सभी 50 राज्यों के मतदाता अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं। इसे यूएस इलेक्ट्रोरल कॉलेज कहा जाता है। इसी कॉलेज में शामिल नुमाइंदा राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालता है, लिहाजा सीधे तौर पर कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए वोट नहीं डालता।
इसी चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए वोटिंग होती है और दोनों पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार सत्ता की कमान संभालते हैं। मान लीजिए किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति चुनता है और सीनेट उपराष्ट्रपति। दोनों पार्टियां अपनी बड़े बड़े कन्वेंशन करती हैं और वहां कन्वेंशन में जो डेलीगेट चुने गए हैं वो अपना जो है नुमाइंदा चुनते हैं। इलेक्शन वहां का अमेरिका का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब अलग अलग पार्टियां खुद अपना उम्मीदवार चुनने के लिए बहुमत जुटाती हैं। यानी डेमोक्रेटिक या फिर रिपब्लिकन पार्टियों के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को पहले पार्टी के भीतर जीत हासिल करनी पड़ती है। इसे प्राइमरी चुनाव कहा जाता है। इसके बाद शुरू होती है पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर। इस बार के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सीनेटर टेड क्रूज को हराकर पार्टी का चेहरा बने, तो वहीं हिलरी क्लिंटन ने बर्नी सैंडर्स को मात देकर डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान संभाली। जो प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाती है उन सब का वक्त निश्चित है। साल भर पहले इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम जाहिर करते हैं। जनवरी तक प्राइमरी के लिए चुनाव बहस होती है, फरवरी से जून तक प्राइमरी चुनाव के लिए वोटिंग होती है और जुलाई से सितंबर तक जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वो सभी 50 राज्यों में अपने अपने उम्मीदवार तय करते हैं और उनके लिए प्रचार का दौर चलता है। सितंबर अक्टूबर में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, यानी राष्ट्रपति पद के दावेदार बहस करते हैं। शुरुआती नवंबर में इलेक्टोरल कॉलेज के लिए मतदान होता है। दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज जीतकर पहुंचे उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालते हैं और जनवरी महीने में कांग्रेस में मतगणना होती है और फिर 20 जनवरी को नई सरकार कमान संभालती है। प्राइमरीज का इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन पार्टी का अंदर का इलेक्शन है, लेकिन इसमें भी इनफैक्ट जितने सारे वोटर है ये लोग हिस्सा इसको लेना होता है। तो वो जो डेलीगेट का चुनाव होता है, डेलीगेट का चुनाव से आपको डेलीगेट्स का सपोर्ट मिलता है। इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने टिम केन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ने माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारा है। मैदान में कई पार्टियां हैं जिनमें लिबर्टेरियन पार्टी की तरफ से गैरी जॉनसन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं ग्रीन पार्टी की जिल स्टीन भी मैदान में है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।